नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूँ अग्रिमा जादौन। और आज बात करेंगे कुछ भक्ति की। भक्तों की आस्था का केंद्र है कोल्हुआ में स्थित माँ मुंगरौल देवी का एक मंदिर। ग्राम पंचायत कोल्हुआ के राजस्व गांव मुंगरौल में स्थित है माँ मुंगरौल देवी का मंदिर। नवरात्रि के दौरान दूर दराज से भक्तगण यहाँ आते हैं माँ के दर्शन के लिए। पूर्व विधायक रामपाल सिंह के पुत्र प्राप्ति पर मंदिर में कराया गया था चार दीवारी का निर्माण। पूर्व मंत्री घनश्याम शुक्ला के पर्यटन विभाग से करवाया था रैन बसेरे का निर्माण। मुझे विकास खंड के ग्राम पंचायत कोलुआ में राजस्व गांव मुंगरौल में मुंगरौल देवी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। पुजारी देवी प्रसाद के मुताबिक यहां प्रतिवर्ष नवरात्रि के दौरान दूर दराज से भक्तगण मां के दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि मां के दर पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता, इसीलिए मुंगरौल देवी का स्थान भक्तों के अटूट श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। यहां पर प्रत्येक शुक्रवार व सोमवार को भक्तों की अपार भीड़ भी उमड़ती है। नवरात्रि के यह विशेष मेला भी लगता है तथा जिले भर से भक्तगण मत्था टेकने आते हैं। पूर्व विधायक रामपाल सिंह के पौत्र प्राप्ति पर मंदिर में चार दीवारी का निर्माण भी करवाया गया था। वहीं पूर्व मंत्री स्वर्गीय घनश्याम शुक्ला ने पर्यटन विभाग से रैन बसेरे का निर्माण करवाया था, जो आज भी यहां आने वाले भक्तों के सहूलियतों पर खरा उतर रहा है। यहां पर लगे नीम का वृक्ष सैकड़ों वर्ष पुराना है। लोगों का मानना है कि इस पर मां भगवती वास करती हैं, जिस पर भक्त जल चढ़ाते हैं। पुजारी ने बताया कि यहां सच्चे मन से की गई पूजा अवश्य ही फलदायी होती है। दूर दराज के क्षेत्रों से भक्तगण यहां आकर विवाह मुंडन यज्ञोपवित्र आदि संस्कार का आयोजन करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। भक्त चंद्र प्रकाश शुक्ला ने बताया कि मुंगरौल देवी मंदिर में जिले भर से भक्तगण मत्था टेकने आते हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए उमापति गुप्ता की रिपोर्ट।